मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। ब्रश करने से पहले टूथब्रश को गीला करते हैं तो आज ही ऐसा करना बंद कर दें। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रश करने के टाइम ब्रश को क्यों गीला नहीं करना है तो प्लीज़ इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सुबह उठकर सबसे पहला काम होता है ब्रश करना। दांतों को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोज़ाना दो बार ब्रश करना ज़रूरी माना जाता है। आमतौर पर ब्रश करने से पहले अधिकांश लोगों की आदत होती है कि वो पहले ब्रश को पानी से गीला करते हैं और फिर उस पर टूथपेस्ट लगाते हैं। वहीं कुछ लोग ब्रश पर टूथपेस्ट पहले लगाते हैं और फिर पानी से गीला करते हैं। ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो पहले और बाद दोनों समय इसे गीला करना पसंद करते हैं। टूथपेस्ट लगाने से पहले ब्रश गीला करें या बाद में, इसी बारे में इंटरनेट पर एक बहस छिड़ी है। दोनों ही पक्षों में लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में सही क्या है यह तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। वे ही बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका दांतों के लिए सबसे अच्छा है। डेंटिस्ट लियुकथोले के मुताबिक टूथब्रश को गीला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके टूथब्रश का प्रभाव कम हो जाता है। इस संबंध में डेंटिस्ट डॉक्टर राहा सपेरे ने बताया कि आप ब्रश करने से पहले हालांकि उसे हल्का सा गीला कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पतले टूथपेस्ट से ब्रशिंग की दक्षता कम हो जाती है, जो कि आपके दांतों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। यही वजह है कि ब्रश करने के बाद पानी लेकर अच्छे से कुल्ला करना चाहिए ताकि टूथपेस्ट के अवशेष आपके दांतों के अंदर ना रह जाएं। उनका यह भी मानना है कि यदि आपके लिए अपने टूथब्रश को गीला करना ज़रूरी है तो उसे नल के नीचे एक सेकेंड से ज़्यादा देर तक ना रखें। ब्रश को गीला करने के लिए कम से कम पानी का उपयोग करें। गीले टूथब्रश से टूथपेस्ट डाइल्यूट हो जाता है जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। यदि आप टूथब्रश को केवल इसीलिए गीला करते हैं ताकि उस पर लगे बैक्टीरिया निकल जाएं, तो आप इसके लिए टूथब्रश कवर का इस्तेमाल करें अच्छा होगा अगर इस कवर को समय समय पर बदलते रहें। उन्होंने ये भी सलाह दी कि टूथपेस्ट करने के तुरंत बाद मुंह नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से टूथपेस्ट के कण मुंह से निकल जाते हैं और दांत को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।